अपराजिता वो है जो पंजाबी ने थल्ले लेके आ गया। चेक करना पो सू कि स्पेलिंग ठीक होना ते सही ढंग नो लिखना कोई गलती ना होवे। पंजाब यूनिवर्सिटी स्थापित होने की मुख्य उद्देश्य ही पंजाब पंजाबी थी पंजाब नु बचावना सी। स्पोक्समैन टीवी वेख रही दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ जगदीप सिंह थली। दर्शको बोर्डा के उत्ते पंजाबी नु सब तो उत्ते दा दर्जा देने दे लई जोरां शोरां दे नाल जिहड़ी मेहनत हैगी आ लोगों ने वल्लों कीती गई, ईवन कि जिहड़ी अंग्रेजी और हिंदी सीगी उत्ते लिखी गई सीगी उस ते कालख भी मत्थी गई, जिस तों बाद हुण बोर्डां नू जिहड़ा हैगा है बोर्डां दे उत्ते पंजाबी भाषा नू पहल दा दर्जा दित्ता जाणा है। सो अज साडे नाल पंडित राव धरनेवर जी आए ने, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ते पवित्र पंजाबी भाषा बोलन वाले नू मेरे प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वणकम। पंडित जी कित्थे कु तक पहुँच गया ये काम जिहड़ा बोर्डा दा लगातार सधाणा वालों भी किया गया सीगा, है ना, होर बहुत सारे लोग आए सी कि हुण की मतलब कि सरकार ने फैसला लिया है कि पंजाबी भाषा सब तो उत्ते लिखी जाएगी। जी बिल्कुल, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों कढ़िया गया एक हुकम के मुताबिक 2014 के मुताबिक सब तो उपर पंजाबी लिखण की लोड़ है, पर उसकी अंधोखी करके नहीं लिखा गया। पर हुण आजकल अधिकारी लोग जाग चुके ने, लिखाउण दा कम मैनू लगता है शुरू करनगे। 20 नवंबर तक का समा दिता गया है, असी भी चुप बैठे 20 नवंबर तक असी देखणगे। पर मुद्दा ये है कि जेकर वो शुरू करनगे लिखण दा ते चेक करना पऊ सानू कि स्पेलिंग ठीक होना ते सही ढंग नाल लिखना कोई गलती ना होवे। ये सारे चक्कर लिए एक यहोजा संस्था जा सरकार वालों यहोजा एक हाई पावर कमेटी बनाने की लोड़ है। अजे तक अजिही कमेटी बनी नहीं हुई कोई? जी बिल्कुल बनिया नहीं है, मैनू लगता नहीं है वो बनाया नहीं है। मैनू लगता है कि सरकार नू PWD डिपार्टमेंट नू खास तौर पर जिन्हें काम है ओनू मैं लगता है भाषा विभाग नाल सांझा करके कम करके कोई भाषा ज्ञानी नू या भाषा विज्ञानी नू नाल लेके एक एक स्पेलिंग नू ठीक करके वधिया ढंग नाल लिखा जावे, क्योंकि पंजाबी भाषा विच जेकर तुसी सब तो उपर लिखोगे जेकर उत्थे स्पेलिंग मिस्टेक होणगे अक्षर जोड़ मिखी में होणगे उस तो वध अपमान होर कहीं नहीं हो सकता भाषा दी, वो भी सानू सत्कार करने दी लोड़ है। इसलिए मैनू लगता है पंजाब दे विच एक इहो जिहा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है जिवें कर्नाटक दे विच कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिस दी काम है सिर्फ यही है कि अक्षर जोड़ ठीक होवे, किताब ठीक ढंग नाल छपे तो वधिया वधिया किताब आवे समाज दे विच, कन्नड़ भाषा की कोई बेदबी ना होवे, कन्नड़ भाषा की प्रफुल्लित होवे, इहो जिहा काम करदा इह कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी दी कर्नाटक दे विच, जिसनों खुद कर्नाटक सरकार 50 करोड़ रुपए दे के चलाउंदा है वो संस्था। मैनू लगता है पंजाब दे विच इहो जिहा कोई संस्था नहीं है, पंजाब सरकार नू इहो जिहा संस्था बनाउण दी लोड़ है। जेकर तुसी पंजाबी भाषा नू सत्कार करोगे पंजाबी भाषा नू बचाना चाहते हो ताकि इहो जिहा गलती ना होवे। ठीक है, जिवें तुसी गल स्पैलिंग दी कीती मैं जरूर उसे गल ते आना चाहुंदा सीगा, क्योंकि मुकेरियां दे विच हैगा कि मुकेरियां जिहड़ा हैगा हुशियारपुर दे विच सब तो उत्ते लिखिया गया, मुकेरियां दे स्पैलिंग गलत करके उन्हां ने मुकेरियां बना दित्ता उन्हूं। ਤੁਸੀਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਾਤੀ ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤੀ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮੱਥਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ PWD ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
4 करोड़ रुपए की खर्च हो रहा है। हुण सारे बोर्ड कट के नवा लिखण दे विच 4 करोड़ रुपए की खर्च हो रहा है। इस तो पहले ना खर्च होर ना होवे स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कराउण लई एक योजा पंजाबी विज्ञानी नू नाल बैठ के काम करन दी नूर इस दे काम मैं आज ही खत लिख के सिंगला साहब नू मैं दे के आ जाना। चलो बहुत शुक्रिया। ते एक होर गल हैगी है कि जिवें बोर्डों के उत्ते कालख मत्थी गई खबरें ये आ रही ने, मैं सिर्फ कलैरीफिकेशन तुहाडे कोलों स्पष्टीकरण लेना चाहुंदा कि जिन्होंने बोर्डों के उत्ते कालख मत्थी सी सामने आए उन्होंने उन्होंने तंग परेशान पुलिस प्रशासन वालों जां फिर करवाया जा रहा जां कीता जा रहा एवें दी है कोई गल? जी जी मैनूं लगता है पंजाबी भाषा का सत्कार सम्मान लई जो रंग फेरे ने उन्होंने परचा दर्ज करना ही गलत है मेरे हिसाब तो। क्यों? क्योंकि अपनी माँ बोली दी सत्कार सम्मान ले जेकर कोई इधर काम कर दे वो सांकेतिक प्रोटेस्ट हो सकती है उन्होंने माफ़ किया जा सकता है। पर 2014 दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोग कड़िया गया हुकुम दे मुताबिक पंजाबी उपर लिखण दी लोड़ सी पर अधिकारी जानबूझ के थले लिखा है उन्हां ते परचा दर्ज होने की लोड़ है। परचा तो उत्थे बनती है अपराधिता वो है जो पंजाबी नू थल्ले लिखा गया 2014 दे हुकम दे मुताबिक। मैं तुहानू दसा जिन्हां ते परचा दर्ज होया है उन्हां ते सिर्फ परचा दर्ज होया है कोई सज़ा नहीं हुई है कोई सज़ा नहीं हुई वो नहीं कर सकते क्योंकि पूरा पंजाब दे नौजवान पूरा उठ के सड़क ते आ जाना है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाना सरकार नू इसलिए वो तंग परेशान कुछ नहीं कर रहे ने। सरकार भी समझदा है प्रशासन भी समझदा है पुलिस अधिकारी भी चंगे ने वो समझते ने उन्होंने सिर्फ वार्निंग करके आगे तो यह काम ना करो करके वो छाड़ देते ने कोई आगे तो कार्रवाई नहीं हुई है। मैं नहीं चाहूँगा वो मैं नहीं सोचता वो कर देने आगे तो कार्रवाई ना करन दी लोड़ है क्योंकि वो सांकेतिक प्रोटेस्ट ही वो हो चुके है। पंडित जी एक होर गल जिवें तुसीं कही भी चलो कार्रवाई की गल की उन्हां ते होनी चाहीदी सी जिन्होंने ये किया क्योंकि जो भी कोई कानून बनता जो उसकी उलंघना करते हैं आपां दोषी पाया जाता हुण सज़ा उन्होंने दी जाएगी जां फिर अनदेखिया किया जाएगा ये अगला स्टैप क्योंकि जिन्होंने गलती की उन्होंने उन्होंने दोष जो उन्होंने दे है गया उसकी सज़ा दवाओगे जी, जी जी देखो जिहड़ी भी गलत काम करता है उन्होंने एक बार माफ़ किया जाए क्योंकि माफ़ करने के बहुत ताकत है बहुत एक सिद्धांत है। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने भी वड्डे वड्डे अपराधी लोगों को माफ़ किए ने ये पूरा पंजाब ही माफ़ करने की था है जे असी गलत कर दे कोई अस माफ़ कर देने औरंगजेब इन्ने सारे माफ़ करने तो बाद भी उन्होंने माफ़ करने का सज़ा सारे माफ़ करने का उदाहरण सानू मिलता है इसलिए जेकर गलती होया है अधिकारी वालों होया उन्होंने माफ़ करेंगे 20 नवंबर तक जेकर 20 नवंबर तो भी नहीं करेंगे फिर तो सीधी तौर पर हाईकोर्ट के जाके पेश करना है कि ये लोग जानबूझ के पाशा के नाल वो धक्का कर रहे हैं पाशा के एक्ट के मुताबिक उन्होंने सज़ा होगी उन्होंने माफ़ नहीं किया जाएगा जेकर 20 नवंबर तक नहीं लगाएंगे उन्होंने समा दिता जाए जेकर गलती किया है तो उन्होंने सभा भी समा देने की लोड़ है जिमें वो लक्का सदाना जाके रंग फेरिया काला रंगा उन्होंने माफ़ किया गया है उन्होंने कोई सज़ा नहीं हुई प्रशासन भी जेकर माफ़ कर सकता है लक्का सदाना हूँ तो असी भी प्रशासन को माफ़ करके उन्होंने समा दिता जाए ताकि वो लगाए क्योंकि बहुत समा लगता है टेंडर लगना पो दोबारा 4 करोड़ रुपए लगेंगे बोर्ड बनाना पो हुण तुसी स्पेलिंग दी सवाल उठाया है वो भी कंसीडर करना पो सारे काम होंगे ने उन्होंने समा देने की लोड़ है समा देंगे जेकर कार्रवाई नहीं करेंगे बिल्कुल चुप बैठेंगे फिर तो असी कोर्ट जाना है। ठीक है चलो ये तो मुद्दा बोर्डों का हो गया एक पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बड़े तंग नज़र आ रहे हैं शायद उन्होंने तुहाडे भी सहारे की लोड़ हैगी क्योंकि मैं गया सीगा उत्थे वो पंजाबी भाषा पंजाब यूनिवर्सिटी होकर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होकर उत्थे पंजाबी भाषा दफ्तरी भाषा के वजों नहीं वरती जा रही जी जी किवें कीता जावे जी पंजाब यूनिवर्सिटी की होंद ही पंजाब यूनिवर्सिटी स्थापित होने की मुख्य उद्देश्य ही पंजाब पंजाबी अति पंजाब नूं बचाउणा सी तुसी उसकी प्रोफाइल पढ़ो पंजाब यूनिवर्सिटी दी उसके सब तो उपर लिखा है कि पंजाब पंजाबी पंजाबी अति दी होंद नूं बचाउण दी खातिर ये यूनिवर्सिटी दी होंद हो रही है स्थापना हो रही है। उस तो बाद भी जेकर पंजाब यूनिवर्सिटी विच पंजाबी भाषा दी सत्तानाश करन वाले अधिकारी लोग बैठे ने जिथे पंजाबी विच बोर्ड नहीं लिखा गया जे लिखा गया तो पंजाबी थले लिखा गया पंजाबी
पत्रकारी कोर्स नु खत्म किया जा रहा किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसलिए ये लाजमी हो जाता है उत्थे दे लोग उत्थे दे विद्यार्थी एकजुट होकर अपनी अधिकार लिए लड़ चुके हैं, लड़ाई शुरू हो चुका है। ये लड़ाई हर थात ही शुरू होएगी क्योंकि पंजाबी भाषा प्रति जोड़े अन्याय ना इंसाफी नहीं सह सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स नू मैं बिनती की है कि कोई रंग फेरन की लोड़ है, शांति तौर पर काम करने की लोड़ है। जे लोड़ पवे तो असी उन्होंने सारे सपोर्ट देना है। मैं भी उन्होंने नाल हाँ, मैं उत्थे जाके उन्होंने एक उत्थे एक मुंडा है उन्होंने नाम है साहिब सिंह मेहताब सिंह जिन्होंने पंजाबी सिखाया वाइस चांसलर ऑफिस दे बैठ के उत्थे मैं खुद थले बैठ के उन्होंने तो पंजाबी सीखी। उस तो बाद मैं भी सिखाया किसी ने, उस तो बाद 35 रुपए दिता गया। कहन का भाव है असी कम कर रहे हैं। उस तो अलावा 5000 रुपए का चेक भी मैं वाइस चांसलर को भेजा है। कादे लिए भेजा हो? इसलिए भेजा गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अच्छा। उत्ते उन्होंने को पैसा नहीं है। अच्छा। सच्चाई है जेकर मैं 70,000 रुपए तनख्वाह लेना उसे 5,000 रुपए मैं दे रहा था, कोई कट नहीं है, मैं दे सकता होर 5,000 देवगा उन्होंने। मैं ऑलरेडी भेजा है उन्होंने चेक, तो होर मैं 5,000 देवगा ताकि वो कारज करे। जे मैं 5,000 देवगा तुसी कल जाके 2,000 दोगे, कोई होर 2,000 देंगे, उसे एक काफिला दे रहे काफिला बन जाएगा। यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति बढ़ जानी, एक करन दी लोड़ है। इसलिए मैं देता है, मैनू लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी सारे पढ़े लिखे ने, वो जरूर सुधर जाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सन पंडित राव जी जिन्होंने दसिया कि किवें वो कार्ज कर रहे हैं पंजाबी दे लई। और एक खास तौर पर असी जिहड़ी गल आपां करनी चाहुंदे सीगे, अज मैं इत्थे पहुंचिया सी स्पैलिंग्स नूं लेके, क्योंकि 20 नवंबर तक दा समां जिहड़ा हैगा वो दे दिता गया कि 20 नवंबर तक पंजाब दे विच सारे बोर्ड जिहड़े सब तो पहला जिन्हां दे उत्ते पंजाबी लिखी जाएगी। पर सवाल ये उठते हैं कि की वो पंजाबी भी साजिशां दे तहत लिखी जाएगी, जिवें मुकेरियां दे विच कीता गया, मुकेरियां नूं स्पैलिंग गलत करके मुकेरियां हैं उत्थे सब तो उत्ते पंजाबी है, पर स्पैलिंग जिहड़े हैगे आ वो गलत ने। कि एवें दियां योजनाबद्धी तरीके दे नाल हुण साजिशां रच के पंजाबी नूं किते पहल दे आधार ते करन तो बाद उसदा स्पैलिंग नूं गलत करके उसदे नाल छेड़छाड़ ते नहीं कीती जांदी। इस लई असीं अलर्ट करन दे लई अज पंडित राव जी कोल वी आए सी, अलर्ट असीं प्रशासन नूं भी करदे हां ते जिन्हां ने जिस अथॉरिटी ने बोर्ड लिखणे ने बोर्ड बनाउणे ने असीं उहनां नूं भी कहिंदे हां कि कृपा करके पंजाबी भाषा नूं लिखण तो पहलां चंगी तरह उसके स्पैलिंग जिहड़े हैगे आ चैक करवा ले जाण तां जो बाद दे विच जां पंजाबी भाषा दे उत्ते कालख मथन वालियां गल्लां ना होण, जां फिर ये मुद्दे नूं फिर तो ना गरमाया जा सके, मुद्दा जिस दे नाल देश दा जिहड़ा हैगा जां सूबे दा पैसा जिहड़ा हैगा वो लगातार बर्बाद भी हो रहा है। सो इस तों पहलां कि वड्डियां गलतियां होवे तां उस तों पहलां आपां नूं इस दे लई कार्ज करने जरूर चाहीदे ने। पंजाबी भाषा दे स्पैलिंगां नूं लै के खास तौर पर कोई माहिर दी ड्यूटी जिहड़ी हैगी आ लगा देनी चाहिए है। सुखविंदर सिंह दे नाल जगदीप सिंह थली, स्पोक्समैन टीवी।